इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे व्हाट इज आरसी कपल्ड ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर आरसी कपलिंग एम्पलीफायर रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस के कॉम्बिनेशन से फॉर्म होता है इसमें दो ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं जो फर्स्ट स्टेज का आउटपुट होता है उसको नेक्स्ट स्टेज के इनपुट में देते हैं बाय द अरेंजमेंट ऑफ कपलिंग कैपेसिटर एंड सेकेंड स्टेज के आउटपुट से एम्पलीफाइड सिग्नल कलेक्ट करते हैं इसमें रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस का यूज किया जाता है इसलिए इसको आर सी कपल्ड ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर बोलते हैं हियर इट इज सर्किट डायग्राम ऑफ आर सी कपल्ड एम्पलीफायर। यहाँ पर फर्स्ट स्टेज है विथ ट्रांजिस्टर टी आर वन हियर रेजिस्टेंस आर वन एंड आर टू वोल्टेज बायसिंग के लिए यूज किया जाता है आर सी लोड रेजिस्टर है जो कि ट्रांजिस्टर के कलेक्टर टर्मिनल से कनेक्ट रहता है एंड यहाँ पर एमीटर रजिस्टर है जो कि सिस्टम को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है एमीटर रजिस्टर के साथ कैपेसिटर पैरल में कनेक्ट रहता है जिसको सी ई से डिनोट कर रहे हैं सी इन इज द इनपुट कैपेसिटर जो कि इनपुट टर्मिनल से कंबाइन रहता है एंड हियर इट इज़ कपलिंग कैपेसिटर दैट इज सी सी जो कि टू ट्रांजिस्टर्स को कपल्ड करता है यहाँ पर जब इनपुट वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं तो फिल्टर के थ्रू ट्रांजिस्टर टी आर वन में जाता है कैपेसिटर जो है वो इनपुट सप्लाई से हारमोनिक्स को फिल्टर करता है सप्लाई जब TR1 वन में जाती है तो टी आर वन एक्टिवेट होता है एंड इसका जो आउटपुट रहता है वो कपलिंग कैपेसिटर के थ्रू ट्रांजिस्टर टी आर टू में जाता है रजिस्टर एंड कैपेसिटर का यूज करते हैं इसलिए इसको रजिस्टर कैपेसिटर कपलिंग एम्पलीफायर बोलते हैं फर्स्ट ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर टर्मिनल होता है वो सेकेंड ट्रांजिस्टर के बेस से कनेक्ट रहता है सो फर्स्ट ट्रांजिस्टर टीआर वन का आउटपुट सेकेंड ट्रांजिस्टर टीआर टू के बेस में सप्लाई होता है जिससे ट्रांजिस्टर टीआर टू एक्टिवेट होता है एंड आउटपुट प्रोड्यूस करता है जो कि एक एम्पलीफाइड आउटपुट होता है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इन आर सी कपलिंग एम्पलीफायर वोल्टेज गेन एंड सिग्नल फ्रिक्वेंसी के बीच कर्व ड्रॉ करते हैं तो उसको फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स बोलते हैं एंड कर्व कुछ इस तरह की होती है इसमें हम लोग 50 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी रेंज रखते हैं जिसको मिड फ्रीक्वेंसी रेंज बोलते हैं यहाँ पर जो कर्व है वो फ्रीक्वेंसी रेंज को रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी रेंज अगर 50 हर्ट्ज से कम होती है तो ए सी आउटपुट में डिस्टोर्सन होने लगता है एंड कपलिंग कैपेसिटर में पावर लॉस होता है एट मिड रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी दैट इज फिफ्टी हर्ट्स टू ट्वेंटी किलो हर्ट्ज ये हमारी ऑडियो फ्रिक्वेंसी होती है ड्यूरिंग मिड फ्रिक्वेंसी गेन इज ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट इफ फ्रिक्वेंसी इंक्रीजेस फ्रिक्वेंसी को जब इंक्रीज करते हैं तो कपलिंग कैपेसिटर का रिएक्टेंस डिक्रीज होता है एंड एंड ऑल्सो गेन इंक्रीज होता है इसलिए इसमें फ्रीक्वेंसी रेंज जो है वो बिटवीन 50 हर्ट्स टू 20 किलो हर्ट्स रखते हैं जो कि प्रॉपर होता है फॉर आरसी कपलिंग एम्पलीफायर एंड अगर फ्रीक्वेंसी रेंज 20 किलो हर्ट से ज़्यादा हो तो वोल्टेज गेन में ड्रॉप होता है जिससे कपलिंग कैपेसिटर का रिएक्टेंस कम हो जाता है एंड शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है ऐसा होने से लोड इफेक्ट इंक्रीज होता है एंड वोल्टेज गेन डिक्रीज होता है इसलिए फ्रीक्वेंसी रेंज जो है वो फिफ्टी हर्ट्स टू ट्वेंटी किलो हर्ट्स तक हम लोग रखते हैं वी नो दैट एक्सी इज इक्वल टू वन बाई टू पाई एफ सी फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन से कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मतलब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीज होगी एंड फ्रीक्वेंसी अगर डिक्रीज होगी तो कैपेसिटी रिएक्टेंस इंक्रीज होगा एडवांटेजेस ऑफ आरसी ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर. आरसी कपल्ड एम्पलीफायर का जो कॉस्ट है वो लोअर होता है इस टाइप का एम्पलीफायर लेस स्पेस ऑक्यूपाई करता है ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस. इस टाइप का एम्प्लीफायर लाइट इन वेट होता है इसलिए उसका ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी ईजी होता है इसमें फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स बेटर होता है एंड गेन द मिड वे फ्रीक्वेंसी आलमोस्ट कॉन्स्टेंट इसका सर्किट काफ़ी सिंपल होता है इसमें हम लोग रेजिस्टर एंड कैपेसिटर का यूज करते हैं जो कि काफ़ी चीपर होता है इसमें अपग्रेडिंग टेक्नोलॉजीज को यूटिलाइज करके और भी बेटर बना सकते हैं दे हैव अ स्मॉलर गेन बिकॉज ऑफ लोड इफेक्ट ऑफ द नेक्स्ट स्टेज नेक्स्ट स्टेज में लोड इफेक्ट के कारण इसमें स्मॉल गेन होता है इसमें एम्पीडेंस मैचिंग पुअर होता है इसमें आर सी कपल्ड का जो आउटपुट एम्पीडेंस है वो फ्यू ओम्स होता है टाइम के साथ इस टाइप का जो एम्पलीफायर रहता है उसका ऑपरेशन काफ़ी पुअर हो जाता है इस टाइप का एम्पलीफायर टाइम के साथ नॉइज प्रोड्यूस करने लगता है एंड पुअर एम्पीडेंस मैचिंग के कारण पावर ट्रांसफ़र रेट लो हो जाता है मोस्ट वाइडली यूज एज अ वोल्टेज एम्पलीफायर किया जाता है ड्यू टू पोअर एम्पिडेंस मैचिंग इस टाइप के एम्पलीफायर का यूज़ रेयरली फाइनल स्टेज में किया जाता है दे हैव एक्सिलेंट ऑडियो फिडेबिलिटी ओवर अ वाइड रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी इसका यूज़ आर एफ कम्युनिकेशन में किया जाता है इस टाइप के एम्प्लीफायर का यूज़ ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में किया जाता है इसका यूज पब्लिक एड्रेस सिस्टम में एज प्री एम्प्लीफायर्स किया जाता है आरसी कपल्ड एम्पलीफायर का यूज़ कंट्रोलर्स में किया जाता है इसका यूज़ रेडियो और टीवी रिसीवर्स एज अ स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर्स किया जाता है रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस कपल्ड एम्पलीफायर जो है वो बेसिकली मल्टी स्टेज एम्पलीफायर सर्किट होता है जो कि मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में यूज होता है इस लेक्चर में जो सर्किट आपने देखा वो टू इंडिविजुअल स्टेज ऑफ एम्पलीफायर सर्किट था जो कि रेजिस्टर एंड कैपेसिटर के हेल्प से एक साथ कनेक्ट था इस टाइप का सर्किट रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस से मिलकर कंसिस्ट होता है इसलिए इसको मोस्टली आरसी कपल्ड एम्पलीफायर के नाम से जाना जाता है इस टाइप के एम्पलीफायर में इनपुट सिग्नल अप्लाइड होता है एट द बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर इन स्टेज वन दैट एम्पलीफाइड एंड अपीयर्स एट इट्स कलेक्टर टर्मिनल विद अ फेज शिफ्ट ऑफ वन डिग्री फर्स्ट स्टेज में जो आउटपुट सिग्नल मिलता है वो नेक्स्ट कपल्ड स्टेज में जाता है जहाँ से फाइनल आउटपुट मिलता है जो कि एक एम्प्लीफाइड वैल्यू होता है दिस मीन्स दैट द आउटपुट ऑफ द सेकेंड स्टेज विल बी 360 सिक्सटी डिग्री आउट ऑफ फेस विद रिस्पेक्ट टू द इनपुट इस टाइप का एम्पलीफायर चीप इकोनॉमिकल एंड कॉम्पैक्ट होता है एज इट यूज ओनली रजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स एंड इट ऑफर्स कॉन्स्टेंट गेन ओवर अ वाइड फ्रिक्वेंसी बैंड इस टाइप का एम्पलीफायर अनसुटेबल होता है फॉर लो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफिकेशन एज वेल एज मॉइस्चर सेंसिटिव होता है तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुँच सकें